Hey kids, good morning. I'm back with today's session. So chalo, let's start our session with a good morning song. Are you ready for it? 1, 2, 3, and let's begin. Hi, hello, how are you? Hi, hello, how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm wonderful. Yay! So children, a very good morning to you all. So, what do we do next? In our circle time today, we are going to learn about different places around us. हमारे आस पास कितने सारी जगहें होती हैं? Yes, आज हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में पढ़ा था. हम लोगों ने ऐसे कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में पढ़ा था जो हमें एवरीडे वर्किंग के अंदर मदद करते हैं. डू यू रिमेम्बर देम? वी हैड लर्नड अबाउट द डॉक्टर्स, पोस्टमैन, वी हैड लर्नड अबाउट प्लम्बर, कार्पेंटर, फार्मर एंड सो मेनी अदर्स. यस, टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट द प्लेसेस अराउंड अस, या फिर हमारे नेबरहुड में आसपास जो भी प्लेसेस होती हैं. Can you think of some? हमारे घर के आसपास क्या क्या चीजें होती हैं? Do we have a grocery shop? Yes, जहाँ से हम लोग सारा सामान हमारे घर के लिए लेकर आते हैं. Yes, do we have a school around us? Yes, हमारे घर के आसपास schools भी होते हैं. Do we have hospitals around our homes? Yes, ये भी हमारे घर के आसपास होते हैं. Do we have a park? Yes, क्या हमारे घर के आसपास parks भी होते हैं? तो चलिए इन्हीं के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. विल सी देम एंड आइडेंटिफाई देम विद पिक्चर्स. यू रेडी फॉर इट? चलो लेट्स स्टार्ट. सो चिल्ड्रेन, लेट अस सी द प्लेसेस इन आवर नेबरहुड. हमारे आसपास हमें कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जो हमारे घर के आसपास होती हैं? यस, तो चलो लेट अस सी. सी द फर्स्ट इज स्कूल. स्कूल. पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन. तो क्या कल हम लोगों ने देखा था पुलिस मैन, पुलिस वुमेन जो हमें सेफ रखते हैं? यस, सो वो कहाँ काम करते हैं? वेयर डू वी फाइंड देम? दे वर्क एट द पुलिस स्टेशन. यस, वेयर डू वी हैव टीचर्स? इट्स इन अ स्कूल. वेयर डू वी हैव डॉक्टर्स? ओके, सो यू विल फाइंड देम इन द हॉस्पिटल. हॉस्पिटल. नेक्स्ट, सी इट्स अ पार्क. यस, क्या हमें यहाँ जाना पसंद है? क्या हम लोगों ने कल सीखा था गार्डनर? यस, वो कहाँ रहते हैं? दे टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड दे आर इन द पार्क. यस, नेक्स्ट लेट अस सी पोस्ट ऑफिस. यस, क्या कल हम लोगों ने पढ़ा था पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर एंड वेयर डू वी फाइंड हिम? ही वर्क्स इन द पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस. यस, क्या हम लोगों ने बेकर के बारे में भी पढ़ा था? बेकर बेक्स केक्स. Yes, so where do we find him? We see him in the bakery. Bakery. Fire station. क्या fireman के बारे में भी हमने देखा था? Where does he work? He works at a fire station. Fire station. Next, apartment. Apartment. Yes, next is shopping mall. Shopping mall. Okay, next is सिनेमा हॉल, जहां हम लोग मूवीज में मूवीज देखने जाते हैं. यस, दैट प्लेस इज कॉल्ड सिनेमा हॉल. यस, सो लेट अस रिवाइज दीज प्लेसेस इन आवर नेबरहुड. पुलिस स्टेशन, स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क, शॉपिंग मॉल, फायर स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, बेकरी, अपार्टमेंट, सिनेमा हॉल. इनके अलावा देर आर फ्यू मोर शॉप्स. यस, लेट अस सी. देखिए, कॉफी शॉप, जहां हम लोग कॉफी पी सकते हैं. वी कैन स्पेंड टाइम विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स. बुक शॉप. यस, वे यू गेट बुक्स. पेट शॉप. यस, जहां हम पेट्स देख, जहां हमें पेट्स मिल सकते हैं. पिज्जा शॉप, ये तो सबका फेवरेट है. यस, बार्बर शॉप, वे वी कैन कट आवर हेयर. फ्लावर शॉप, टॉय शॉप, रेस्टोरेंट, बेकरी. यस, सो चिल्ड्रन, दीज आर द प्लेसेस दैट आर देयर इन आवर नेबरहुड. ओके,
Children, that was all for circle time today. In our English session for today, we are going to learn about how to use the words a, an and the. ठीक है, ये तीन वर्ड्स के यूसेज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. लास्ट सेशंस में हम लोगों ने ऑलरेडी वोवल्स क्या होते हैं वो पढ़ा है. तो चलिए, लेट अस रिवाइज. दीज आर आ फाइव वोवल्स, है ना, ए ई आई ओ यू. तो चलो, लेट्स सिंग अ सॉन्ग बिफोर आई स्टार्ट. यस, वेयर आर द वोवल्स, वेयर आर द वोवल्स, हियर दे आर, हियर दे आर, ए ई आई ओ यू, A E I O U. I know them all as they are few. I know them all as they are few. So children, how many vowels are there? There are five vowels. A E I O U. I hope आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने ये चीज भी पढ़ी थी कि in English alphabets we have got 26 letters. How many? There are 26 letters. Out of them, these 5 are the vowels. Yes, out of 26 letters, these 5 are vowels. और बाकी के जितने भी letters होते हैं उन्हें हम कहते हैं consonants. So in English alphabet, out of 26 alphabets or 26 letters, okay, we have got 5 vowels and 21 consonants. इनके अलावा जितने भी letters होते हैं उन्हें हम consonants बोलते हैं. Yes? So चलिए देखते हैं कि how are we going to use the words an, a and the. Alright, so children, let us see how are we going to use these words. Yes? So, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि हमें an कब यूज करना है. An, जब भी कोई भी वर्ड ओके वोवल्स के साथ स्टार्ट होता है, एनी ऑफ द फाइव वोवल्स, हम लोग यूज करेंगे an. जैसे लेट, व्हाट पिक्चर इज इट? इट्स अ पिक्चर ऑफ एन एप्पल. यस, ए एप्पल. क्या इसमें वोवल साउंड है? यस यस, क्योंकि इट स्टार्ट्स विद अ वोवल साउंड. हम लोग क्या यूज करेंगे उसके आगे? वी विल राइट an. यस, एंड कैसे रीड करेंगे? an apple. रिपीट, an apple. यस, और क्या वर्ड हो सकता है? देखिए, इफ आई चेंज इट, सी, an ant. क्या ये भी लेटर ए से स्टार्ट हो रहा है? एंड ए इज अ वोवल. यस, an ant. लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स. व्हाट पिक्चर इज दिस? सी, इट्स एन इंजन. क्या ये वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है? ए, ए इंजन. यस, सो यहां हम लोग इसे हाउ डू वी रीड इट? एन इंजन. यस, लेट्स सी वन मोर पिक्चर. सी, एलिफेंट. ओके, क्या इसके अंदर भी हम लोग देख रहे हैं क्या ई साउंड है? एंड ई इज अ वोवल. सो कैसे रीड करेंगे हम लोग? एन एलिफेंट, एन एलिफेंट. लेट्स सी फ्यू मोर वर्ड्स. सी, आई. आई इज ऑल्सो अ वोवल. सो कैसे रीड करेंगे हम लोग? एन इग्लू, एन इग्लू. यस, इफ आई चेंज इट, द नेक्स्ट पिक्चर, एन इंकपॉट, एन इंकपॉट. वेरी गुड. डू यू हैव सम मोर वर्ड्स? यस, सी, एन ऑस्ट्रिच. ओ इज अ वोवल, सो एन ऑस्ट्रिच. और वी कैन ऑल्सो हैव, सी, एन ऑरेंज, एन ऑरेंज. यस, सो जो भी लेटर्स या जो जो भी वर्ड्स वोवल से स्टार्ट होते हैं वी राइट एन बिफोर देम. जैसे, सी दिस, एन अम्ब्रेला. यस, एन अम्ब्रेला. ओके, सो चिल्ड्रन, आपको याद क्या रखना है? अगर कोई भी वर्ड, यस, अगर कोई भी वर्ड का फर्स्ट लेटर, आप हमेशा फर्स्ट लेटर देखेंगे, ओके, अगर वो फर्स्ट लेटर किसी भी वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, सो यू विल राइट एन बिफोर इट, ए एन एन. अब ये क्वेश्चन आता है, तो हमें अ कब लिखना है? व्हेन डू वी यूज अ? सो अ इज यूज जब भी फर्स्ट लेटर इज नॉट अ वोवल. अगर फर्स्ट लेटर वोवल नहीं है, इट्स अ कॉन्सोनेंट, तब हम यूज करेंगे अ. सी, हाउ डू वी राइट अ? आप सिर्फ एक सिंगल ए लिखेंगे. एंड लेट्स सी फ्यू एग्जांपल. अ गर्ल.
यस, अगर आप देखें यहाँ, यस, इसका फर्स्ट लेटर क्या है इस पिक्चर में? गर्ल, ग, ग, गर्ल. इट्स नॉट अ वॉवल, सो इट्स अ कॉन्सोनेंट. तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसे? वी राइट अ बिफोर इट, अ गर्ल. यस, लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. सी नेक्स्ट वन, अ बॉल. यस, यहाँ भी अगर आप फर्स्ट लेटर देखेंगे, इट इज नॉट अ वॉवल, इट्स अ कॉन्सोनेंट. ब, अ बॉल, ब, ब, बॉल. यस, नेक्स्ट, लेट्स सी, इट्स लेटर आर. यस, र, र, रॉकेट. सो हम लोग कैसे बोलेंगे इसे? अ रॉकेट, अ रॉकेट. सो अ हम लोग तब यूज करेंगे व्हेनेवर फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज नॉट अ वॉवल, अगर वो वॉवल नहीं है, इट्स अ कॉन्सोनेंट. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस चिल्ड्रन, हम लोग द कब यूज करेंगे? यस, व्हाट्स द स्पेलिंग फॉर द? टी एच ई, द. हमने देखा हम एन यूज करेंगे फॉर द वॉवल्स, हम अ यूज करेंगे फॉर द कॉन्सोनेंट्स. तो अब तो कुछ भी नहीं बचा, हमने वॉवल्स भी कंप्लीट कर लिए, हमने कॉन्सोनेंट्स भी कंप्लीट करे. देन व्हेन आर वी सपोज टू यूज द? एनीथिंग विच इज ओनली वन. डू वी हैव ओनली वन सन? यस, जो अकेला है इस पूरे वर्ल्ड में. ओके, या आई शुड से जो भी चीज सिंगल है, ओके, इट इज सिंगल, उसे हम लोग क्या यूज करेंगे? वील यूज द. फॉर एग्जाम्पल, डू वी हैव मेनी सन्स? नो, इट्स ओनली वन, है ना, सिर्फ एक ही सन है. सो हम उसे स्पेसिफाई करते हैं एंड वी यूज द. इट्स ऑलवेज द सन. डू वी हैव मेनी सन्स? नो, इट्स ओनली वन, सो द सन. अगर ये सन की जगह मैं कहूं द मून, यस, इट्स ओनली वन, द मून. यस, अगर हम माउंटेन्स देखें तो बहुत सारे माउंटेन्स हैं, लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ द हिमालयाज, हिमालयाज तो एक ही है ना. यस, सो हम लोग वर्ड यूज करेंगे द. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? द यूज किया जाएगा तब व्हेन इट इज ओनली वन एंड ओनली, अगर वो सिर्फ और सिर्फ अकेले हैं. ओके, इनके जैसा और कोई नहीं है. जैसे द सन, वी हैव ओनली वन सन. द मून, इट्स ओनली वन. द हिमालयाज, यस, हिमालयाज एक ही है. यस, सो दिस इज हाउ यू विल यूज दिस कॉन्सेप्ट. तो चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर राइटिंग वर्क एंड सी इट मोर इन डिटेल. ऑल राइट, सो पेरेंट्स, आज राइटिंग वर्क के लिए यू विल ओपन द पेज जहां आज का डेट हमने पुट किया है. यस, आज हम सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अ, एन एंड द. यस, सो आई विल जस्ट कंप्लीट दिस साइड ऑफ द पेज फॉर यू ऑल, और ये वाला पेज आप बच्चों से करवाएंगे. ओके, सो लेट्स सी. जब भी आप बच्चों को आइडेंटिफाई करने कहें, यू विल आस्क देम टू ऑब्जर्व द फर्स्ट लेटर. सी, फर्स्ट लेटर, अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से बच्चों को अंडरलाइन करके भी दे सकते हैं, सो दैट उन्हें आइडेंटिफिकेशन में इजी जाए. सो सी, ब, इज इट अ वॉवल? आपको बस यही पूछना है बच्चों से, इज इट अ वॉवल? अगर बच्चे कहते हैं नो, सो अगर वॉवल नहीं है, सो हम लोग क्या यूज करेंगे? वील राइट लेटर अ. यस, सो अ बॉय. दिस इज लेटर एस, इज इट अ वॉवल? नो, तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर? अ सन. Cat, what's the first letter? It's C. Is it a vowel? No. So we'll write a cat. Next, dekhiye. What's the first letter? U. Is it a vowel? Yes. So agar vowel hai, to hum log likhte hain an. So an umbrella. Yes. Next, dekhiye. It's letter B. Bed. Is it a vowel? No. It's a consonant. To kya likhenge hum log? A bed. Yes. Next, dekhiye. It's letter E. E as in egg. Is it a vowel? Yes. So, how do I write it? An egg. Dekhiye next. It's letter A. It's a vowel. Kya likha hai? Anchor. To, hum log kya likhenge? An anchor. Yes. What's the next word? It's bib. Aur first letter kya hai? B. Is it a vowel? No, it's a consonant. तो हम लिखेंगे a bib. Next, see, it's a zebra. And the first letter is Z. Is it a vowel? No, it's a consonant. So we'll write a zebra.
नेक्स्ट देखिए एप्पल, इज इट अ वॉवल? यस, सो हम लिखेंगे एन एप्पल. एंड यहां देखिए इट्स रिटन मून. भले ही यहां फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, बट डू वी हैव ओनली वन मून? डू वी हैव मेनी अदर मून्स? नो, वी हैव ओनली वन सिंगल मून. तो हम यहां लिखेंगे द मून. यस, द मून. यस चिल्ड्रन, सो उसी तरीके से यू विल कंप्लीट दिस साइड ऑल्सो. ओके, एंड यू विल शेयर द फोटो इन द स्कूल ग्रुप. एंड नाउ चिल्ड्रन, इट्स टाइम फॉर राइम. सो चिल्ड्रन, नाउ इट्स टाइम फॉर राइम. ओके, आज हम लोगों ने सर्कल टाइम में वी हैड सीन अबाउट आर नेबरहुड प्लेसेस. तो चलिए आज का राइम भी हम लोग उसी से रिलेटेड कहेंगे. रेडी, 1, 2, 3 एंड लेट्स बिगिन. वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग टूडे? आई एम गोइंग टू द पार्क, गोइंग टू द पार्क. I am going to the park today. Where are you going? Where are you going? Where are you going today? I am going to the school, going to the school, going to the school today. Where are you going? Where are you going? Where are you going today? I'm going to the mall, going to the mall, going to the mall today. Where are you going? Where are you going? Where are you going today? I'm going to the bakery, going to the bakery, going to the bakery today. So, इसी तरीके से आप अलग अलग places के साथ में इस rhyme को बोल सकते हैं. So, children, that was all for today's session. You'll complete your writing work. You'll revise the rhymes and the concept and share the photos in the school group. I'll see you next week. Bye-bye.